माघ मेला 2024 का आगाज 15 जनवरी से हो रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने मेला सकुशल संपन्न हो इसके लिए गंगा पूजन किया गया। संगम की धारा के बीचों बीच फूलों की पंखुड़ियों और पत्तियों से हुआ है माँ गंगा का श्रृंगार। तीर्थ पुरोहित और साधु संतों ने मंत्रों व वेद पाठ का उच्चारण किया। इस दौरान गंगा पूजन मेला अधिकारी और मंडल आयुक्त प्रयागराज द्वारा किया गया। मंत्र उच्चारण के साथ मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया। दुग्धाभिषेक के बाद परंपरागत रीति से वस्त्र दान कर मां गंगा से आह्वान किया गया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे माघ मेले को शांतिपूर्वक एवं आपसी सामंजस्य बना रहे और आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो इसकी प्रार्थना की गई। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि पूरा मेला क्षेत्र 750 हेक्टेयर में बसेगा। इस बार मेले को 6 सेक्टरों में बांटा गया है एवं प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर कार्यालय की स्थापना की जा रही है। इन सेक्टर कार्यालयों में सेक्टर के सभी सुविधाएं जैसे भूमि, जल, विद्युत, टेंट आदि की व्यवस्था की जा रही है तथा वहीं से ही सभी आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। माघ मेले का आयोजन सफल हो और हम अपने प्रयोजन में सफल हों इसलिए माँ गंगा मैया, यमुना मैया, त्रिवेणी स्थान, अक्षयवट सबकी आज हमने पूजा की है और हमने यह मनोकामना की है कि जो इस प्रयोजन से हम यहाँ काम कर रहे हैं हमारा प्रयोजन सफल हो, एक अत्यंत ही सफल माघ मेले का हम आयोजन कराते हैं। इस बार के माघ मेले में क्या रूप रहेगा, क्योंकि ये कुंभ का रिहर्सल भी देखा जा रहा है, तो किस तरीके से नई नई योजनाएं यहाँ पर आएंगी और किस तरीके से पूरा यहाँ पर रहने वाला है? माघ मेला, पिछली बार का माघ मेला भी बड़ा सफल माघ मेला हुआ था और इस बार जो माघ मेला है वो महाकुंभ से पहले पड़ रहा है। इसके ठीक बाद महाकुंभ 2025 होगा, तो उसमें जो अभिनव कुछ प्रयोग जो हम करने जा रहे हैं उसकी हम यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे, चाहे वो बिजली विभाग की हो, चाहे वो जल निगम की हो, चाहे वो कुछ टेंटेज की हो, कुछ जिस तरह का मार्केट का स्वरूप होगा उसमें भी हम कुछ बदलाव लेके आ रहे हैं। और साफ़ सफाई पिछली बार भी अच्छी रही थी लेकिन इस बार और प्रयास रहेगा कि एक जो और उच्च स्तर को हम पहुंचा पाएँ और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे श्रद्धालु आएंगे, कल्पवासी आएँ, उनको हम अच्छी सेवा का स्तर हम उनको दे पाएँ। अच्छा, माघ मेले को 2025 को इसका रिहर्सल भी माना जा रहा है, तो किस तरह से ये खास है? ये हमने आपको बताया कि जैसे जो बिजली के बारे में, जल निगम में जो पानी व्यवस्था रहती है उसके बारे में, टेंटेज के बारे में नए इस बार अभिनव प्रयोग होंगे। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, बिजली में कुछ लाइट्स ऐसी लगेंगी जो कि सोलर वाली लाइट्स भी रहें, जो जिससे कि अगर अकस्मात रूप से जेनसेट ऑन ना कर पाने का भी जो शॉर्ट समय होता है वो हमें कभी कभी नहीं मिल पाता है। जैसे पिछले माघ मेले का अनुभव है कि मौनी अमावस के दिन बहुत बारिश हो गई थी और फिर बिजली चले गई थी, तो उस तरह की आकस्मिकता से निपटने के लिए इस बार जो हमारी जो लाइट्स हैं उसमें कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे जो लाइटिंग होगी वो सोलर पैनल्स के माध्यम से होगी, बैटरी इनेबल्ड होगी, तो उस जगहों पर भी एकदम मतलब बिल्कुल ब्लैकआउट नहीं होगा। और भी बहुत सारे अभिनव प्रयोग हमारे प्लान्ड हैं, वो डिटेल में आपको लंबी चीज़ें रहेंगी बता देंगे। बात करें तो हर साल जो माघ मेला होता है उससे अधिक बजट की डिमांड है क्या? बजट तो जितना है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बजट की मांग नहीं है, बस थोड़ी बहुत और बजट की मांग रहेगी। माघ मेले में जितना हम रहता है उस बजट में हम अपना पूरा कर लेते हैं। हाँ, कुंभ के स्केल से तो माघ मेले का इसके बजट कम रहता है लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत बजट की अगर होगी तो आवश्यकता होगी। जैसे हम इस बार एक पीपे का पुल और बना रहे हैं, पिछली बार हर बार 5 पुल बनते थे, इस बार 6 पुल बना रहे हैं और कुछ छोटे मोटे नए जो है अभिनव प्रयोग भी करेंगे, जिसको अगर जो अभिनव प्रयोग सफल होंगे उनको फिर कुंभ में उनको रेप्लिकेट करा जाएगा। मेले की सुरक्षा को देखते हुए मेला एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा कि इस बार 14 पुलिस थाने एवं 41 से अधिक पुलिस चौकियों के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। हर बार के हिसाब से इस बार 10-15% पुलिस बल की संख्या में इजाफा किया गया है। सीसीटीवी कैमरा, ICCC, LIU, विशेष पुलिस अधिकारियों, PAC एवं अन्य जनपदों से आई फोर्स के साथ साथ CISF, RAF जैसी अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को भी लगाकर मेले की सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम किया जाएगा। सुरक्षा प्रशासन द्वारा आवंटित प्रत्येक सेक्टर के भूखंडों के आधार पर सारी व्यवस्था की जाएगी। आसन्न माघ मेला है, इसमें सुरक्षित स्नान, सुरक्षित प्रवास और सुरक्षित आवागमन देने के दृष्टिकोण से एक वृहद सुरक्षा योजना तैयार की गई है।
जिसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग 14 अस्थायी थानों का निर्माण इस माघ मेला क्षेत्र में कर रहे हैं। 41 पुलिस चौकियों का व्यवस्थापन किया जा रहा है, 14 फायर स्टेशन का व्यवस्थापन किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयाँ इस माघ मेले में योगदान देंगी, जिसमें नागरिक पुलिस के लोग होंगे, सशस्त्र पुलिस के लोग होंगे, यातायात पुलिस के लोग होंगे, महिला पुलिस की व्यवस्थापन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आरएएफ की टीम्स, एसटीएफ की टीम्स, एटीएस के कमांडोज, इनका व्यवस्थापन किया जा रहा है। जल पुलिस में सुरक्षित स्नान देने के दृष्टिकोण से डीप वाटर बैरिकेटिंग, रिवर लाइंस और जाल का हम लोग व्यवस्थापन करेंगे। साथ ही साथ फ्लड कंपनीज के जवानों को भी व्यवस्थित करेंगे। एसडीआरएफ की टीम्स किसी भी प्रकार की आकस्मिकता से निपटने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ भी यहाँ पर मौजूद और मुस्तैद रहेगी। इस प्रकार जो है हम लोग सारी व्यवस्थाओं को एक अच्छे ढंग से संपन्न कराएंगे। सीसीटीवी कैमरों का भी व्यवस्थापन कर रहे हैं। जो ICCC है ये 24/7 ऑपरेटिव रह के अपना योगदान देता है। मेले के चप्पे चप्पे पर इस प्रकार हम लोग नज़र रखते हैं। महिला, चूँकि बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु इस माघ मेले में आती हैं, विभिन्न पर्वों पर आती हैं और आम दिनों पर आती हैं, उनको विशेष सुरक्षा देने के दृष्टिकोण से महिला थाने का भी सृजन किया जा रहा है। महिला पुलिसकर्मियों की भी सादे में और वर्दी में भी तैनाती प्रस्तावित है। पुलिस बल की कितनी संख्या रहेगी, क्योंकि अमूमन हर माघ मेले में संख्या जो रहती है उससे क्या अधिक रहेगी इस बार की, क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये रिहर्सल के तौर पर है। जी, जो पुलिसकर्मियों की संख्या और थानों की संख्या, चौकियों की संख्या में वृद्धि की गई है, उसी के अनुरूप हम लोगों ने लगभग 10-15% पुलिस बल अधिक हम लोग व्यवस्थापित करेंगे, ऐसी योजना है। और चूंकि पिछले जो माघ मेले में मौनी अमावस्या का पर्व था, एक मोटी संख्या के तौर पे 2 करोड़ से अधिक स्नानार्थियों ने स्नान किया था, इस बार उम्मीद है कि ये संख्या और अधिक बढ़ सकती है। इसके लिए हम लोग इस बढ़ी हुई संख्या को दृष्टिगत सुरक्षा के जो हमारे संसाधन हैं, सुरक्षा की जो जनशक्ति है, उसमें भी हम लोगों ने वृद्धि प्रस्तावित की है। कब से आना शुरू हो जाएंगे और कब तक सारी सेनाएं कब तक आ जाएंगी यहाँ पर? जो पुलिस बल है उसका 3 चरणों में आगमन प्रस्तावित है। सबसे पहले 20 तारीख में 20% पुलिस बल यहाँ पर अपनी आमद कराएगा। इसके बाद 25 दिसंबर को 40% पुलिस बल का आगमन प्रस्तावित है और 31 दिसंबर को 40% पुलिस बल का आगमन प्रस्तावित है। इस प्रकार 31 दिसंबर तक हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी 100% पुलिस बल यहाँ पर ड्यूटी के लिए उपलब्ध होगी। हम उनको आचरण और व्यवहार का प्रशिक्षण भी देते हैं, जिससे कि जो कि यहाँ पर श्रद्धालुओं के साथ उनको डील करना होता है, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं। लगातार 1 महीने हम उनको प्रशिक्षित करके एक प्लेटफॉर्म पे लाके किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई आचरण और व्यवहार